अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मियाँ शाहकार एंड सन से मुखातिब हूँ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्लॉक 19x, जो मियाँ शाहकार एंड सन्स की बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ इसके स्लैट के बारे में, तो इसका स्लैट जो है ये मेटल के नीचे बॉडी इसकी पॉलीमर की है। इसकी मैगजीन की जो कैपेसिटी है वो 19 राउंड्स है। इसके साथ दो मैगजीन आते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज़ में, एक जो है ये एक्स्ट्रा ग्रिप इसको लग जाता है। तो स्टैंडर्ड साइज़ वाला जो है वो 17 राउंड्स का, ये 19 राउंड्स का मैगजीन है। अगर मैं बात करूँ इसके सेफ्टी के बारे में, तो इसकी जो सेफ्टी है इसके ट्रिगर में आती है, इसमें अपनी मैनुअल सेफ्टी नहीं आती ग्लॉक में। अगर मैं बात करूँ इसके बैरल के बारे में, इसका बैरल जो है 41-40 हार्ड क्रोम बैरल है। इसके अंदर हार्ड क्रोम हुआ है, ये आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, टोटली CNC मशीन मेड है, 9mm कैलिबर में। जिनके पास 9mm का लाइसेंस हो, वो चाहते कि यार मैं अच्छी पिस्टल ख़रीद लूँ, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। ये देख सकते हैं, इधर आप लेज़र भी अटैच कर सकते हैं, इधर आप जो है अपना लाइसेंस नंबर भी पंच कर सकते हैं। मियाँ शाहकार एंड सन्स से आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप रब्ता भी कर सकते हैं। ये पाक मेड पिस्टल है, ग्लॉक 19x की बिल्कुल A+ कॉपी, मास्टर कॉपी। इसकी फिनिशिंग वगैरह देख ले, आपको वीडियो से ही पता चल रहा होगा कि यार इसकी फिनिशिंग कैसी है, और इसकी जो पॉलीमर की क्वालिटी है, स्क्लैट की क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी भी आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसी है। ठीक है, तो ये देख रहे आप, उम्मीद है ये छोटी सी रिव्यू एंड ये पिस्टल आपको दोनों अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, और कोशिश करते हैं कि यार आपके लिए हम एक और अच्छे प्रोडक्ट्स ले आए और इस पर रिव्यू करें और आपको अपडेट करें साथ साथ में कि यार ये नए मॉडल्स है या ये पुराने मॉडल्स है, उसके जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में आपको बताए, और जितने भी मतलब उसके बारे में डिटेल आपको दे, ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो। आप कोशिश करें कि पहले आप लाइसेंस बनवा लें, ये 9mm कैलिबर का है तो 9mm का लाइसेंस बनवा लें आप, उसके बाद आप परचेजिंग करें। ठीक है, आप लाइसेंस बनवाएंगे तो उसके बाद आपके लिए परचेजिंग जो है कोई मुश्किल काम नहीं है, वो ईजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपने अपने लिए लाइसेंस बनवाना है, उसके बाद आपने परचेजिंग करनी है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, माशाल्लाह।